आज सुबह 8 बजे पारशिवनी तालुका में कन्हान नदी में एक भयानक घटना हुई। कन्हान में अपने बड़े भाई मोहम्मद अमर रजा शेख के साथ आज सुबह 7 बजे ताजनगर में नागपुर से कन्हान नदी में धर्म ग्रंथों को विसर्जित करने आया था। 26 वर्षीय छोटा भाई मोहम्मद अमीर शेख तालाब में डूब गया। घटना मंगलवार दोपहर के करीब की है। मृतक का बेटा मोहम्मद अमीर शेख है। पुलिस विभाग और बचाव दल के अथक प्रयासों के बाद मोहम्मद अमीर शेख के शव को निकालने का काम जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद अमीर शेख मंगलवार सुबह अपने बड़े भाई के साथ कन्हान नदी में तैरने गया था। फिर वह तैरने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन पानी की अनिश्चितता के कारण वह डूब गया। उस समय मौजूद उनके बड़े भाई मोहम्मद अमर रजा शेख ने उन्हें बचाने की कोशिश की। वह गांव में मदद मांगने गया। ग्रामीणों को सब कुछ बताकर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बीच ग्रामीणों ने तत्काल स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। बचाव दल को मौके पर बुलाया गया। बचाव दल के अथक प्रयासों के बाद मंगलवार 17 मई को दोपहर 2 बजे मोहम्मद आमिर शेख का शव मिला। स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कामठी उपजिला ग्रामीण अस्पताल भेज दिया है। ताजनगर के टेका इलाके में मोहम्मद आमिर शेख की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से मातम छाया है। वहाँ पे कैसे क्या आए थे? हम लोग दोनों भाई किताब डालने के लिए आए थे। किताब काय की? किताब उर्दू की किताब, दोनों भाई किताब डालने के लिए आए थे उर्दू की। क्यों डाले, कारण? वो दीमक लग गई थी उसमें। हाँ, दीमक लग गई थी तो बड़ा भाई छोटा भाई बोले, बड़ा भाई बोले डाल के आ जाओ नदी में। हाँ हाँ, तो हमने डाल दिए तो मैं बोला ये पुलिया की तरफ डालते जिधर। हाँ, यहाँ पे। हाँ, जिधर पिल्लर है तो उधर बोले, इधर नहीं जाएंगे, उधर डालते बोले, उधर गड्ढा ज्यादा है बोले, बहुत तो बहाव में वो बह जाएंगी बोले। अच्छा, तो मैंने उधर चले गया तो मैं किनारे पे था डाल करके। मैंने उसको किनारे पे डालने के बाद में बहा दिया। उसको बहाने के बाद में ये बंदे ने भी वैसे ही किया। वैसा करने के बाद में ये नहाने लगा, जैसा अपन तीरने के लिए नहाने वो करते नहीं क्या? हाँ, तो सीखने के लिए वैसा करने लगा। तो ये क्या बोले, अपन रोज आएंगे बोले। हाँ, रोज आकर के अपन यहाँ पे तीरेंगे बोले। हाँ, तो मोहम्मद अमीर शेख को तैरना आता था क्या? नहीं आता था। अरे बाप रे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको तैरना नहीं आता था तो उसने बस यही बोला कि अपन बोले रोज आके तैरेंगे, रोज आके तैरेंगे। आज कितने बजे घटना है? 7 बजे सुबह 7 बजे की बात है। और आप कितने बजे आए थे यहाँ पे? वहाँ पे हम लोग 7:45 बजे तकरीबन निकले होंगे, 10-15 मिनट में पहुँच गए। अच्छा अच्छा। वीकेबी न्यूज के लिए कमल यादव की रिपोर्ट। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर।